मैं मैच खेल रहा था तो अचानक से कॉल आई कि भाई गाना लेने जा रहे हैं, भागते भागते मैच वैच छोड़ गया। ये सौदा हो चुका है, देख ले वीडियो के तवज्जो से जमाल भाई ने जो है सौदा कर दिया। बहुत बहुत तुम्हारे को, जमाल भाई को भी और सारी भाई और कासिम भाई की पूरी फैमिली को। ये दिखाएं तो जानवर दिखाएं जरा करीब से, इसको अतरा से ना उसको लेके जाओ, गेट वॉक करवाओ। ब्लैक वाले की बजाय ये रेड वाला जो है 1:45 में ये फाइनल हुआ है। ये सौदा हमारा हो गया, जमाल भी बैठे हुए हैं, कासिम भाई बैठे हुए हैं और पेमेंट हो रही है। एफबीआर का छापा नहीं पड़ गया है इनके पास। ये कुर्बानी हम लोग को याद रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान जब्बार और इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन के इलाके सिंधी गोट पर। पलीर मार्केट का ये इलाका है, यहां पे सिंधी गोट की एक मंडी है छोटी सी, यहां पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। आज मैं फिर आया हूं क्योंकि आज हमारे साथ कासिम भाई आए हैं। कासिम भाई ने हमें कॉल किया था और इन्होंने कहा था कि भाई हमें एक जानवर चाहिए, तो हमने कहा ठीक है। आज है इतवार का दिन और संडे का दिन है, सुबह सुबह हम पहुँचे हैं सिंधी गोट की मंडी। जानवर तो वैसे 3-4 पसंद आए, लेकिन इनको जो ये पसंद आया, ये जानवर दिखाएं आप, ये ब्लैक वाला जानवर माशाल्लाह से 2 दांत का बछड़ा है ये और खूबसूरती में भी बहुत प्यारा है। तो इसका हम रेट लेंगे, इससे बात करेंगे। जमाल भाई के बारे में हम आए, जमाल भाई की वीडियो हमने बनाई थी, उनके 2-4 जानवर हमने पहले भी सौदा करवाया और आज हम फिर जमाल भाई के बारे में आए। ये बताएं जानवर आपको समझ में आ रहा है? ये जानवर तो मुझे बहुत पसंद आया है, 3-4 जानवर मैंने देखा है, लेकिन इसमें से ये मुझे खूबसूरती में अच्छा लगा, यानी इसका सौदा कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह इसका सौदा कर लेते हैं। ठीक है, जमाल भाई से बात, जैसे ही जमाल भाई आते हैं तो फिर हम इसका सौदा करते हैं। और ये जानवर अगर आप आगे पीछे से दिखाएं, हमारा कैमरामैन इधर पीछे से दिखाएं, इसको आगे से पीछे से हर तरफ से। माशाल्लाह खूबसूरती में है, पंजाब नस्ल है। अच्छा, कासिम भाई के साथ एक चीज़ है कि और लोग भी आए हैं, तो आप ये देख सकते हैं जितने भी लोग हैं ये अलग नहीं है बल्कि कासिम भाई के साथ आए हैं सारे। यानी सुबह 6 बजे से ये लोग जानवर लेने के लिए तैयार बैठे हैं और अभी जो टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 11 बज चुका है। और अच्छा, काफ़ी हमने यहाँ पे विजिट किया है। आज का जो रेट मैं आपको अपडेट दूँ कि आज का जो रेट है बहुत ज़्यादा हाई है, हर जगह में हमने विजिट किया, तो आखिरकार हम यहाँ पर पहुँचे हैं और जमाल भाई के बारे में, तो यहाँ पे रेट हमें मुनासिब लगा तो आज हम इसका सौदा करेंगे। और ये सारे लोग जो हैं कासिम भाई के साथ आए हैं। कासिम भाई इंट्रोड्यूस करवाइए सभी, कौन कौन है ये? ये सब हमारे साथ हमारे कज़न हैं, ये सब हमें तंग किए हुए, तो सुबह 6 बजे से परेशान है, जाना है, तो इनको हमने पसंद करके फिर बुला लिया। अच्छा, नाज़िम को ये बताइए कि अभी आप कितनी देर से मेरे साथ घूम रहे हैं और क्या आपको लगता है अभी जो आज का जो रेट है संडे का किस हिसाब से है? संडे का रेट है तो रेट तो बहुत हाई है हर जगह, वो समझ रहे हैं कि बस आज आखिरी इतवार है तो इसी में पूरा करना है। लेकिन अरसलान भाई के साथ हम लोग घूम रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला जानवर समझ आ गया जमाल भाई के बाड़े से। ठीक है, तो जैसे जमाल भाई आते हैं फिर इस दोबारा आपको दिखाते हैं कि इसका सौदा हम करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते हैं। जी नाज़रीन, कासिम भाई के साथ ये सारे जो हैं शपाटर जो है यहाँ पर मौजूद है, सारे शौकीन, मंडी के शौकीन। भाई आप बताएं, सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम जान अख्तर है। अच्छा, तो आपको शौक है मंडी घूमने का? जी जी, साल में एक बार आता है तो बंदा शौक हो। तो कब से तैयार बैठे हुए थे आज सुबह आप मंडी जाने के लिए बैठे हुए थे? मैं तो कल, हम लोग कल से घूम रहे थे मंडी, कल सुबह से घूम रहे थे, हमें बकरा के लिए भी और गाय के लिए भी। तो क्या लगा आपको, क्या रेट वगैरह चल रहे हैं मंडी जो आप घूम रहे हैं? कल हमने अपना सिंधी गोट निशाने अदर 12 नंबर वगैरह घूमा है, तो हमें वहाँ के रेट बिल्कुल समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा मवेशी मंडी में बैठे आ गए, तो इस वजह से हम आज सिंधी गोट के अंदर हैं, तो यहाँ रेट मुनासिब लगा, हमें जानवर ही पसंद आया। अच्छा, इस बाड़े की खास बात ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बार्गेनिंग नहीं है, लेकिन एक रेट है मुनासिब रेट है जिसमें पसंद आया था लोगों को। तो अभी आपको जो ये जानवर नजर आया तो आपको लगता है कि ये बेहतर है, मुनासिब है? जी जी, और जानवर से ज्यादा बेहतर है, रेट भी मुनासिब लगा मुझे यहाँ पर, और बाहर से ज्यादा अच्छा रेट अंदर आए तो हमें पता चला कि यहाँ जानवर भी अच्छे हैं, रेट भी मुनासिब है। अगर आप शौकीन हो तो खोलो इसको, घुमाओ, हम आपको दिखा देना। देखें, ये खुद जानवर खोलेंगे और खुद इसको कैट वॉक करवाएंगे। ले जाओ भाई, ये जो शौकीन जो होते हैं ना, ये मतलब अलग ही शौक होता है ये जानवरों का। ये भाई घुमा रहे हैं, ये कैट वॉक करवा रहे हैं और जानवर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है भाई। ये भी कासिम भाई के साथ है। कासिम भाई कौन है? कासिम भाई का भाई है। कासिम भाई के भाई छोटे? अच्छा भाई, ये कासिम भाई के छोटे भाई है। तो आप क्या मैच वैच खेलने जा रहे थे आज इतवार का दिन? मैं मैच खेल रहा था तो अचानक से कॉल आई कि भाई गाना लेने जा रहे हैं, भागते भागते मैच वैच छोड़ गया। यानी कि इतने शौक की शौकीन हो के क्रिकेट को भी छोड़ दिया? क्रिकेट तो एक क्रेज होता है लोगों का ना आजकल, इन्होंने मांगा तो वो आपने छोड़ दिया जानवर के चक्कर में? छोड़ दिया,
कि दो तीन हफ्ते से मैं खेल अभी नहीं हूँ, जानवर लेने जा रहा है जानवर लेने। अच्छा तो फिर क्या गए नहीं था इससे पहले? नहीं, इससे पहले घूम रहे थे बस, बस उसके बाद जानवर लेने आज बोले कि जल्दी से चलो जानवर लेने जा रहे हैं, मैं आ गया। तो समझ में आया जानवर? हाँ, तो सबको पसंद है, आप तुम अपना भी राय दे दो, कैसा लग रहा है जानवर, चीज सौदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए अगर मुनासिब हो जाएगा इसका। अगर ये तो अब जमाल भाई आते हैं तो हम बात करते हैं उनसे, फिर देखते हैं कितना मुनासिब होता है। मुजाहिद भाई हमारे सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि हमें काट लिया उन्होंने इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं शायद, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जमाल भाई से भी बात करते हैं। तो जैसे ही आते हैं, अभी इसको ले जाने के बाद कहाँ रखते हो, क्या करते हो, क्या शौक है, किस तरह का शौक है इसको? हम लोग लेके जाने के बाद तो अभी तो लेके जाएंगे, अभी शायद जियान के बाड़े में शायद रखा है गई। अच्छा, तो वहाँ पे रखेंगे, फिर उसके बाद इसको नहलाना धोलाना। घुमाते भी हो? घुमाते। कहाँ लेके जाते हो? यही सबके घर, मतलब किसी गली मखसूस गली में लेके तो नहीं जाते? नहीं नहीं नहीं, सबके रिश्तेदारों के घर लेके जाएंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ सारिम भाई, और इनका एक बड़ा भाई भी है आसिम, उनको भी बुला लेते यार, वो भी आ जाते तो वो भी देख लेते। वो सो रहे? क्या वो सो रहे हैं? तो इसका हम सौदा करेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे मुजाहिद भाई हैं, ये बड़े मुस्कुरा रहे हैं हमें देख देख के, इन्होंने बोला आज इतवार का दिन है और हमने इनको सही काटा है। इस जानवर का जो है 160 इन्होंने बोला था, तो क्या फाइनल हो जाएगा इसका? देखो हम लोग के भाड़े में 160-170 होता ही नहीं है, वो हम थे नहीं दवाला का। अच्छा, तो उसने बोला 160-170-180 जो भी बोला, मेरे को नहीं मालूम। इसका बाटा प्राइस है वो 135,000 है। चले, ये तो हमारे वीडियो के तवसुत से कासिम भाई आए, तो मैंने आपको बोला ना 2,000 पर छोड़ेंगे, 135,000 का देंगे फाइनल। फाइनल तीन आदिन इनका जो है 133 फाइनल है, और बाकी देखते हैं कासिम भाई मशवरा कर रहे हैं। कासिम भाई को दिखाओ उधर, वो मशवरा कर रहे हैं आपस में, सारे इनके फैमिली वाले हैं, तो उसके बाद मशवरा करके हम बात करते हैं, देखते हैं कि सौदा बनता है नहीं बनता। हमारी कोशिश यही होगी हमारे वीडियो के तवसुल से सौदा हो जाए, क्योंकि मैं भी सुबह से निकला हुआ हूँ कासिम भाई को लेके, बहुत ज़्यादा रेट हाई हैं। और जमाल भाई के बाड़े का मैंने वीडियो बनाया है, जमाल भाई के बाड़े में हम दोबारा आए क्योंकि यहाँ के रेट थोड़े मुनासिब होते हैं, और जमाल भाई हमारे वीडियो के तवसुल से रेट जो है बिल्कुल मुनासिब करके फाइनल कर देते हैं। तो अभी जो इन्होंने रेट दिया है उस पर देखते हैं कि इनकी बात होती है नहीं होती है। अच्छा जी नाज़रीन, कहानी में ट्विस्ट आ गई है, तो एक और जानवर जमाल भाई ने आते साथ दिखाया है, और जो जानवर दिखाया है वो कासिम भाई और कारिम भाई वगैरह को ये पसंद आया, और इनका सौदा भी मुनासिब है, पसंद आ गया है, डन है। तो कितने पे डन हो रही है, कन्फर्म है? तो ये सौदा हो चुका है, देख लें वीडियो की तवसुल से जमाल भाई ने जो है सौदा कर दिया। बहुत बहुत मुबारक हो जमाल भाई को भी, और कारिम भाई और कासिम भाई की पूरी फैमिली को। ये दिखाएं तो जानवर दिखाएं जरा करीब से, इसको अतरा से इसको लेके जाओ, कैटवॉक करवाओ। ब्लैक वाले की बजाय ये रेड वाला जो है 145 में ये फाइनल हुआ है, ये देखें माशाल्लाह से। ये भी दो दांत है, दो दांत का बछड़ा भाई, ये भी पंजाब का जानवर है, ये देखें। तारीम भाई को कैटवॉक करवा रहे हैं और शायद पैदल ही ले जाए, और उधर दिखाएं ये हमारा जो है, देख लो भाई वही लाल है जमाल भाई के। हाँ भाई, लाल वाला ही लेना। अभी जो है ये कह रहा है कि लाल लेना या ब्लैक लेना है। सही है, घुमा ले भाई, चेक वेक कर ले सब कुछ, चलना नहीं है बस। ये तो चलेगा चलेगा, पहिया लगा दे। ये सौदा हमारा हो गया, जमाल भी बैठे हुए हैं, कासिम भाई बैठे हुए हैं, पेमेंट हो रही है। बिहार का छापा नहीं पड़ेगा इनके दे रहे कि बस ये जमाल भाई ने, जमाल भाई ने ये अपना जमाल भाई ने कमाल किया दूसरी जगह और जाएंगे जहाँ पे और भी सौदा करवाना है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये कुर्बानी हम लोग को याद रहेगा, इसलिए फैमिली व्लॉग बन गया।